फायदे दी है पार्टी। लाइफ में जीने का सिंपल सा पंडा है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है 25 ना, आज है 25 अगस्त। तो हम लोग अभी सुबह आ चुके हैं, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारे साथ सिर्फ कृष्णा आया है, बाकी लोग नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा इधर साइकिलिंग करते हैं, हमारे पास दो ही साइकिल है अभी फ़िलहाल, कुछ आने वाले थे लेकिन आए नहीं। सुबह सुबह घास में चलने का अलग ही मज़ा है। ये जो ओस का बूंद है ना, देखो यहाँ पे, देखो इस तरह से बना हुआ है, जो मकड़ी का जाल होता है ना उसमें वो ड्रॉप गिर जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिए हैं, अब बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और धूप भी थोड़ा, हाँ थोड़ा धूप भी निकल चुकी है इधर, देखिए धूप। तो अभी बस निकलते हैं, मेरा ड्यूटी का टाइम हो चुका है, 7 बजने ही वाले हैं, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी आ चुका हूँ घूमकर और बस अब जल्दी से रेडी होना है। तो फिलहाल अभी 7:30 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ, बस अब निकलना है और आज का दिन यहीं पे शुरू होता है। तो फिलहाल अभी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, अब बस जल्दी जल्दी जाना है रेडी होकर जिम के लिए, तो निकल रहा हूँ अभी फिलहाल। इतना खातिरदारी ज़रूरी नहीं है, हाँ करना पड़ेगा, आई तो किंग है ना, हम किंग हैं, आई किंग है, मोटा भाई किंग है। न्यू फोन दिखाओ, कौन सा फोन लाया, वन प्लस? काल बोला था ले। अरे यार कौन सा, नाइनर। तो फिलहाल अभी फ्रूट्स खा रहे हैं, भाई ने दी है पार्टी, भाई का फोन दिखा। नहीं नहीं। तो फिलहाल तो हमारा जिम अभी ख़त्म हो चुका है, अब बस रोटी लेने की बारी है। तो फिलहाल अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज का सारा काम फिनिश हो चुका है और अभी मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं और जिसके लिए मैंने स्टैंड पर लगा दिया है अपने फ़ोन के कैमरे को। तो आज शाम को एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, वो लड़का था एक सब्सक्राइबर ही था मेरे पुराने चैनल का, और जो पुराना चैनल था उस पर लगभग 7 के 7 सब्सक्राइबर हैं और वहाँ पे एडुकेशनल वीडियो डाला करता था। तो वो मैसेज में बताया कि आपकी वीडियो देखकर काफ़ी मोटिवेट होता था और मतलब उनको हेल्प मिली थी मेरे वीडियो से लेकर। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरे वीडियो से किसी को हेल्प पहुँच रही है और मोटिवेट हो रहा है। तो फिर ऐसे तो बहुत सारे मतलब आते रहते हैं मैसेज, क्योंकि पुराने वीडियोस में बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते, तो इंस्टाग्राम में चलाता ही नहीं था लेकिन बीच बीच में देख लेता हूँ कि कोई मैसेज आया कि नहीं। तो देखिए अभी मैं आप लोगों से भी कुछ इम्पोर्टेंट बात करूँगा मोटिवेशन को लेकर ही, यदि आप मेरी बातों को थोड़ी सी सुनेंगे तो आपको शायद हेल्प मिल जाए और जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे फ्यूचर के लिए। मैं कोई उतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत जो मैं जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि अभी जो लोग हैं काफ़ी थोड़े बहुत डिप्रेस हो गए हैं और वो मतलब मोटिवेशन की कमी है उनके लाइफ में। तो देखिए लाइफ में जीने का सिंपल सा फंडा है, यदि मेरी बात करूँ, यदि बहुत लोग पूछते हैं कि आप मोटिवेट कैसे रहते हैं, आप अब कौन पूछते हैं, मेरे फ्रेंड ही पूछते हैं, मेरे जो पुराने दोस्त हैं वही लोग पूछते हैं, शायद मैं दिखता हूँगा पता नहीं। अब बात है कि यदि मैं अपने लाइफ के फंडे की बात करूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जो सिचुएशन के बारे में नहीं सोचता हूँ, बट मैं सिचुएशन को ठीक करने के बारे में सोचता हूँ, उसमें किस तरह से अपने आप के 100% आउटपुट को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस पे मैं ध्यान देता हूँ। और यदि आप भी सुने होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा हो गए और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिससे आप सुनते होंगे,
तो वो तो हमेशा एक्शन में बिलीव करते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सही बात है। आप सिचुएशन को यदि हमेशा कोसते रहेंगे कि मेरा सिचुएशन ये है और ये बहाने बनाते रहेंगे तो बहाने बनाने से कुछ मिलने वाला है तो नहीं। और लेकिन यदि आप काम करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, 100% देते हैं, तो फिर क्या, वही चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आपको खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो जैसे मैं अपने आप का बताता हूँ, जैसे मेरा जो ड्यूटी आवर होता है सुबह से 8:30 से शाम 5:30 बजे, और इसमें लगभग मतलब 9 घंटे, और उसके बाद फिर आने जाने के लेकर 10 से 11 घंटे लग जाते हैं, 11 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं अभी 93 या 94 डेज हो रहे हैं, मैं लगातार वीडियोस डेली डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, जो वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मेरा हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, और इससे मुझे पैसे वगैरह या व्यू वगैरह को उतना ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रहता है। और ये जो टाइम मैं निकाल रहा हूँ, कहाँ से निकाल रहा हूँ, यही जो 12 घंटे मुझे बचते हैं, बाकी जो टाइम बचते हैं उसके बाद फिर मैं अपना जो एक्सरसाइज करता हूँ वहाँ भी जाता हूँ, उसके बाद घूमता भी हूँ, बाकी सारी चीज़ें करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक सोचते हैं कि थक के आऊँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर सुबह हो जाऊँगा, फिर मतलब रोबोट वाली ज़िंदगी है। और यदि रोबोट वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना है तो फिर आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा बाकियों से। तो यदि आपके पास, आप देखेंगे किसी के पास टाइम नहीं है, अभी सब बिजी हैं, वो फ़ोन में हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर है या काम को लेकर है, यदि आप टाइम निकालना चाहते हैं सिचुएशन से तो वो आपके हाथ में है। आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ टाइम खा रहा है तो इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं जैसे बताता हूँ, मैं जो मैक्सिमम जो ब्लॉग एडिट करता हूँ वो बस मैं आने जाने के टाइम ही कर लेता हूँ, तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है मेरा। और बाकी जो है, मैं स्टडी अभी स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में भी हूँ, तो पढ़ाई भी होती है, इसके बाद वीडियोस भी आती है, उसके बाद काम भी होती है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी होती है, फिर घूमना उमना। अरे यार, लाइट ही चली गई, यहाँ लाइट का बहुत इशू है, रुकिए आपको फ्लैश लाइट में ही वीडियो बना देता हूँ। मुसीबत तो आते ही रहेगी लाइफ भर, मुसीबत का तो आना चलता रहेगा। अच्छा यार, ये शायद ठीक है, कोई नहीं, तो क्वालिटी पता नहीं किस तरह आ रही है। तो फिलहाल आज इतना ही, आपको शायद थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।